कौन हो सकता है? सब मिनिस्टर रिताल, गुरु सत्याचार्य आप? तुम ठीक तो हो विकराल बेटे? हाँ गुरुजी, मुझे क्या हो सकता है? तुम्हें तूफानी पहाड़ी वाले प्रेताल के महल नहीं जाना चाहिए था। पर गुरुजी, मैं तो उसे मार के आ रहा हूं। लेकिन मरने से पहले उसने अपने किसी मालिक का जिक्र किया था। क्या कहा था उसने? यही कि उसका मालिक दुनिया की सबसे खतरनाक काली शक्ति है और वो मुझे नहीं छोड़ेगा। बस इसके आगे बताने से पहले वो मर गया। विकराल, अब तुम इस नगर की सीमा को पार नहीं करोगे। क्यों गुरुजी? तुम्हारे प्राणों पर संकट है। आने वाला समय तुम्हारे लिए अशुभ है। अशुभ? पर मुझे किससे संकट है? ये मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। भगवान करे ऐसी स्थिति कभी ना आए, परंतु आज की बात तुम इस नगर की सीमा को नहीं लांघोगे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है गुरुजी, कि आप जो हर युद्ध में मुझे लड़ने की प्रेरणा देते थे, आज मुझे ही रोक रहे? ये तुम्हारी भलाई के लिए है बेटे। लेकिन गुरुजी, बस मैं जो कह चुका वो कह चुका। इसे मेरी चेतावनी समझो या मेरा आदेश, परंतु आज के बाद तुम इस नगर की सीमा के पार नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। अगर कोई आपत्ति आए तो मुझे याद करना, अपना ध्यान रखना, और मैंने जो कहा है वो याद रखना। यशस्वी भाव। अब क्या होगा विकराल? होगा क्या? अब कुछ दिनों तक इस शहर के भूतों का सफाया करते हैं। काम तो रुक नहीं सकता ना। पर सर, क्या शहर में भी भूत होते हैं? जहां इंसान होते हैं वहां हैवान भी होते हैं लिली। Stop it, Amol, मुझे गुदगुदी आ रही है। अच्छा, तो भागोगी मुझसे? मेरे साथ हाइड एंड सीक नहीं खेलोगी? Stop it यार, हम लाइब्रेरी में आए थे देर रात पढ़ने के लिए, ये सब खेल खेलने के लिए नहीं। अरे come on, ये भी किस्म की पढ़ाई है। एक्चुअली मैं तुम्हें स्टडी करना चाहता हूँ। Stop it Amol, stop it। ये दरवाजा? अरे हाँ। मौत का क्लास, ये क्या हो रहा है अमोल? X + Y raised to the power 2 under the linear coefficient of cos theta is a derivative of sigma divided by the integration of pi with sine 30. Understand, students? Understand? Yeah.
बैठो। सॉल्यूशन है एक ही, तुम्हारी मौत। कॉलेज का भूत का केस सॉल्व करने आया है। लेट्स गो। हाय विक्रांत, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और तुम्हारे अमृत जील वाले किस्से को मैं काफी दफा पढ़ चुका हूँ। हमें उस काली डैन के बारे में बताओ ना। प्रेताल का कड़ा क्या सचमुच डिस्ट्रॉय हो गया था? देखो, मैं तुम सबके सवालों का जवाब बाद में दूंगा, अभी नहीं। ओके, मेक वे प्लीज। चलो कब्रो। देखो एक मिनट, प्लीज प्लीज, मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ। जैसी वो खत्म होगा, आई विल बी विद यू शॉर्टली, ऑलराइट? आपका नाम क्या है? मैं लिली को मिस कर रहा हूँ, उसको साथ क्यों नहीं लाया? देख बाबा, आज वो ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेशन कर रही है और साथ में सफाई भी। अच्छा है कि नहीं? क्या अच्छा है, मेरा कोई ऑटोग्राफी नहीं लेता। देख यहाँ सुबह एक केजी क्लास लगती है, तेरे साइज के बच्चे उनसे ले लेना। ये सही नहीं है विक्रांत, मैंने भी तुम्हारे साथ हर केस को सॉल्व किया है पर मुझे तो कोई फुटेज ही नहीं मिलता। ये केस तू सॉल्व कर लेना, बॉम्बे कॉलेज का भूत। ते प्रिंसिपल का ऑफिस आ गए। आपको यकीन है कि कल रात उन दो स्टूडेंट्स को किसी भूत ने ही मारा? इंसानी हत्याओं का तो पूरी तरह इन्वेस्टिगेट हमने कर लिया है, पर ये काम जरूर किसी बुरी आत्मा का ही है। ये हादसा कौन सी क्लासरूम में हुआ था? 3E। तुम एक काम करो, तू जाके बाहर मेरी बाइक देख, जब तक मैं यहाँ देखता हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था ये केस मैं सॉल्व करूंगा। पिंजरे में बंद कर दूंगा। चलो ना यहाँ से। मैं देखना चाहती हूँ कि विकराल भूत कैसे पकड़ते हैं।
कॉकरोच का भूत। भूत के पैर के निशान, ये तो कोई इंसानी भूत है। शुक्र करो मैंने तीर नहीं चलाया, वरना तुम खुद भूत बन जाते। सर हम सब एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, अगर हम किसी तरह आपकी मदद कर सके तो प्लीज हमें बताइए विक्राल सर। अच्छा ये बताओ, तुम में से किसी ने इस कॉलेज में कोई अजीबोगरीब हरकत देखी? हाँ सर, सर सर हमारे केमिस्ट्री लैब में अक्सर है ना टेस्ट ट्यूब हवा में उड़ती रहती है और केमिकल्स है ना एक दूसरे में अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं। और ये केमिस्ट्री लैब है कहाँ? सर हमारे साथ चलिए सर। विकराल के बच्चे, तू किस खेत की मूली है? अब देख ये केस को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। फिर लोग मेरा ऑटोग्राफ ही नहीं फोटोग्राफ भी लेंगे। क्लिक क्लिक। विकराल भी तो लाल रंग के थ्रू ही भूतों को देखता है। कोई भी नहीं यहाँ तो कोई भी नहीं है। इधर भी कैसे गबरू जो है गबरू को देखकर अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। हाँ मैं हूँ गबरू और मुझे देखकर अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। हवा से बंद हो गई होगी वरना गबरू के सामने किसी की हिम्मत जो आ जाए कोई नहीं आएगा। स्कूल में तुम्हारा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? वीकेस्ट सब्जेक्ट
साइंस नहीं नहीं हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं मुझे याद आ गया मैं तो स्कूल गया ही नहीं था ठीक है तुम्हारे लिए एक बहुत ही आसान सा सवाल दो और दो कितने होते हैं दो और दो बोलो कुछ और सा आसान पूछो ना बोलो दो और दो याद आ गया मैंने बचपन में एक हिंदी फिल्म देखी थी अमिताभ बच्चन की उसमें एक गाना गाया था तो अर्थ पंच बना दे पंच गलत गलत जवाब हाथ आते आते रह गया हेलो हाँ लिली बोलो सर आपके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है प्रॉब्लम मेरे लिए पर तुम तो वहां हो और ये आवाज ही कैसी है सर आपने मुझे कहा था ना कि वो भूतों की बोतल को साफ कर देना तो सर मैंने वो बोतल को साफ कर दी लेकिन सोचा कि अच्छी तरह से कर लूं इसलिए मैंने अंदर से भी यू नो यू जस्ट अ ब्लडी इडियट सर मैंने जब वो बोतल खोली ना तो कुछ भूत उसमें से भाग गए सर ये लोग मुझे मार डालेंगे सर प्लीज कम फास्ट अच्छा लिली लिली फिकर मत करो सर जल्दी आइए ना सर प्लीज मैं पहुंच जाऊं उधर हां तारा हमें विकराल की मदद करके क्या मिलेगा तो तुम मत करो मैं और झरना तो करेंगे राइट झरना मैं राइट तो चलो यहीं और कुछ सबूत ढूंढते ठीक है मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करता हूँ तुम लोगों को जितना टाइम वेस्ट करना है करो ओके इस तारा को भी पता नहीं क्या हो जाता है विकराल के पीछे ऐसी दीवानी हो गई है कि मेरी तो बात ही नहीं सुनती टोनी परसों तेरी एग्जाम है पढ़ाई कर और इस प्यार यार का चक्कर छोड़ ये हैंडराइटिंग तो तारा मेरी बात सुनो इस बुक में तो बिल्कुल वैसी हैंडराइटिंग है जैसे उस बोर्ड पर है देखो से खरीदी थी सेकंड हैंड सेक्शन में से इसका मतलब विद्यालय का इसी कॉलेज का एक स्टूडेंट है बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लगता है इनकी भी क्लास लेनी पड़ेगी आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को